हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जनरल मल्टी डायमेंशनल एरे में अगर हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं रो मेजर ऑर्डर में या कॉलम मेजर ऑर्डर में, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला इस्टेब्लिश किया जा सकता है ताकि आप आसानी से किसी भी एड्रेस के एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के एड्रेस को आप लोकेट कर सकें। तो उसका ही आज आपको वेल स्टेब्लिश फॉर्मूला देते हैं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई भी आपका एन डायमेंशनल अरे है। लेट सी इज एन एन डायमेंशनल अरे। लेट सी इज एन एन डायमेंशनल अरे, ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल अरे है। अब इसमें क्या होगा कि द इंडेक्स सेट फॉर ईच डायमेंशन ऑफ सी कंसिस्ट ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फ्रॉम द लोअर बाउंड टू द अपर बाउंड ऑफ द डायमेंशन। द लेंथ एल आई ऑफ द डायमेंशन आई ऑफ सी इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंडेक्स सेट एंड एल आई कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो इसमें लेंथ एल आई को आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेंथ एल आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अपर बाउंड, ठीक है, माइनस लोअर बाउंड प्लस वन, ठीक है। इस तरह आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि फॉर ए गिवन सबस्क्रिप्ट के आई द इफेक्टिव इंडेक्स ई आई ऑफ एल आई इज द नंबर ऑफ इंडिसेस प्रिसीडिंग्स के आई इन द इंडेक्स सेट एंड ई आई कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, ठीक है। तो ई आई अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ई आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के आई माइनस लोअर बाउंड, ठीक। अब इसमें क्या होगा, देन द एड्रेस एल ओ सी, देन द एड्रेस एल ओ सी, जैसे हम एड्रेस को एल ओ सी से दिखा रहे हैं, और किसका एल ओ सी ऑफ सी ऑफ जो भी आपने यहाँ पे एलिमेंट लिया के वन के टू अप टू के एन, ठीक है। इसका अगर एड्रेस लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफ एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ सी सी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन बाई द फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दीजिए कि ये हो जाएगा आपका बेस, पहले बेस ऑफ सी प्लस विद ऑफ ई एन एल एन माइनस वन ई एन एल एन माइनस वन प्लस ई एन माइनस वन इंटू एल एन माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस। ऐसे ये ऐड करते करते जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ई थ्री, ये हो जाएगा एल टू, फिर हो जाएगा आपका नेक्स्ट प्लस का ई टू, फिर ये हो जाएगा एल वन और प्लस लास्ट में ई वन। इससे आप इस फॉर्मूले से आप एड्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप ध्यान रखिएगा, ये है किसके लिए, कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए। अगर रो मेजर ऑर्डर के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे तो रो मेजर के लिए हो जाएगा बेस ऑफ सी प्लस, यहाँ पे मान लीजिए आपने कहा विद ऑफ, ये लिया आपने ई वन एल टू प्लस ई टू एल थ्री प्लस ई थ्री एल फोर प्लस, ऐसे ही जाएगा आपका कहाँ तक, ई
एन माइनस वन तक अप इंटू एल एन प्लस ई एन, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, रो मेजर के लिए। तो चाहे कॉलम मेजर है तो पहले वाले फॉर्मूले से, और रो मेजर ऑर्डर है तो दूसरे वाले फॉर्मूले से आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं। जहां पे ये जो बेस सी है, ये आपको मालूम है कि बेस सी डिनोट्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सी, एंड डब्ल्यू डिनोट्स द नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो इससे आप इजीली किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं। अब इस पे मान लीजिए इसी फार्मूलों पे बेस्ड जो है, अगर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज ए थ्री डायमेंशनल एरे इज डिक्लेयर्ड यूजिंग, मान लीजिए कोई थ्री डायमेंशनल एरे है, थ्री डायमेंशनल एरे ये दिया हुआ है आपको। मान लीजिए इसका नाम दिया है मेज, और इसको कैसे डिफाइन किया है, मेज ये दिया है 2 से 8 तक, फिर दिया है -4 से 1 तक, और फिर दिया है 6 से 10 तक। ये कोई एक थ्री डायमेंशनल एरे गिवन है। देन द लेंथ ऑफ द थ्री डायमेंशन ऑफ मेज आर रिस्पेक्टिवली, तो इसकी जब आप लेंथ निकालेंगे तो लेंथ क्या आएगी, L1 हो जाएगा आपका सीधा सीधा, 8 में से 2 घटा दीजिए कितना हो गया 6, और प्लस इसमें 8 में से 2 घटा के +1, या इस फॉर्मूले को अपर बाउंड पूरा यही लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8 -2 +1, यानी 8 2 6 और 1 7, ये L1 आ गया। फिर ऐसे ही L2 निकालेंगे तो L2 आ जाएगा आपका 1 --4 +1, तो 4 1 5 1 6 हो गया। और फिर L3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 -6 +1, तो 10 में से ये 4 + 1 5, ये आ गया आपका। तो ये रिस्पेक्टिव लेंथ आ गई 7 6 और 5, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुए, यानी कि इससे बात ये निकल के आ गई कि मेज कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 7 × 6 × 5, तो ये हो गया आपका 7 6 42 × 5, 5 × 10 के 0 आंसर लगा 1, 5 4 20 और 1 21, यानी टोटल इस एरे में 210 एलिमेंट है, 210। अब इसमें क्या होगा कि सपोज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टोर्स मेज इन मेमोरी इन रो मेजर ऑर्डर। अब मान लीजिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इस एन डायमेंशनल एरे को रो मेजर ऑर्डर में स्टोर किया है, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करता है ना, तो मान लीजिए रो मेजर ऑर्डर में ये स्टोर किया हुआ है। ठीक, अब सेकेंड चीज, इसका जो बेस एड्रेस दिया है, बेस एड्रेस ऑफ मेज, ये जो मेज जो एरे का नाम है वो दिया हुआ है आपका, मान लीजिए 200, और डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है वर्ड पर मेमोरी लोकेशन 4। ठीक, तो द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मेज फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए हमने कहा कि एड्रेस ऑफ मेज और एलिमेंट दे दिया आपको 5 -1 8, इसका हमको एड्रेस निकालना है। ठीक है, तो इसका एड्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इफेक्टिव एड्रेस निकालेंगे, तो ई1 कितना हो जाएगा, ई1 हो जाएगा 5 में से लोअर ऑर्डर घटाइए 2, कितना हो गया 3, फिर ऐसे ही ई2 में से लोअर ऑर्डर घटाइए, तो ई2 में लोअर ऑर्डर कितना, -4, तो ये हो गया -4, ये आ जाएगा 4 और 1 3, ये हो गया 3, और फिर इसमें से घटाइए 8 -6, तो 8 - 6 हो गया 2, ये वैल्यू आ गई। अब जो अभी हमने आपको फॉर्मूला दिया था रो मेजर ऑर्डर का, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन शुरू कीजिए, उस फॉर्मूले को देखिए। तो पहले हमने E1 L2 कैलकुलेट किया, कितना आएगा, 3 × 6 18 आ गया। ठीक,
फिर ई वन एल टू प्लस ई टू, तो ई वन एल टू प्लस ई टू ये हो गया आपका 18, और प्लस 3 कितना हो गया 21। ठीक है, अब इसके बाद ई वन एल टू प्लस ई टू इंटू एल थ्री, अब हमें कैलकुलेट करना है ई वन एल टू प्लस ई टू इंटू एल थ्री, तो ये हो जाएगा अभी हमारा आया था 21 इंटू 5, ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 105। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा ई वन एल टू प्लस ई टू इंटू एल थ्री प्लस ई थ्री, तो अब 105 में ई थ्री ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 107। तो इसका मतलब कि देयर फोर एड्रेस ऑफ या लोकेशन ऑफ मेज फाइव कॉमा -1.8 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सीधा सीधा बेस एड्रेस प्लस डब्लू इंटू दिस वन, ये हो गया आपका 200 प्लस 4 एकम 4 4 28, 428, यानी ये एड्रेस आंसर आ गया आपका 628, यानी ये एड्रेस आ गया आपका, जबकि हमने इसमें दिया था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसने इस 3 डायमेंशनल एरे को किस फॉर्म में स्टोर किया हुआ है, रो मेजर में, ये ध्यान रखिएगा। कॉलम मेजर में अगर स्टोर किया होता तो हम कॉलम मेजर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस तरह से किसी भी जनरल डायमेंशनल एरे में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस आपको निकालना है तो आप इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से, ये जो हमने दो फॉर्मूले अभी आपको शुरू में बताए, अगर कॉलम मेजर में स्टोर्ड है ये कॉलम मेजर में स्टोर्ड है तो ये फॉर्मूला लगाइए, और अगर रो मेजर ऑर्डर में स्टोर्ड है तो ये फॉर्मूला लगाइए। इससे आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।